नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेशनल टुडे 24 में। और इस वक्त की खबर फरखाबाद से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फरखाबाद से आ रही है। फरखाबाद में डकैती की योजना बना रहे 8 आरोपियों को पुलिस ने अवैध हथियारों सहित दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस को खबरी सूचना से अर्रा पहाड़पुर मंडी के आगे बंद पड़े कोल्ड में कुछ लोग एकत्रित होकर डकैती की योजना बना रहे हैं, जिस पर थाना अध्यक्ष जेपी शर्मा व स्वाट टीम प्रभारी जय प्रकाश शर्मा ने टीम के साथ घेराबंदी की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लखन पुत्र पप्पू, सुरेश पुत्र राम निवास, ऐसे ही 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 तमंचा 315 बोर, 1 तमंचा 12 बोर व 2 सरिया, 1 हथौड़ी व 1 रेती आदि के साथ ही कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों के पास से चाबियों का एक गुच्छा भी बरामद हुआ है। फरखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। थाना मऊ दरवाजा में जो वुडवर्क हुआ है उसका अपडेट सर क्या? ये थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के अंतर्गत थाना मऊ दरवाजा और एसओजी टीम के द्वारा अर्रा पहाड़पुर जो गांव है उसके पास में एक पुराना कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ से अर्ली मॉर्निंग में मुखबिर की सूचना के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि डकैती की योजना बना रहे थे। उनके पास से अवैध असले बरामद हुए हैं, साथ ही साथ अन्य उपकरण और औजार बरामद हुए हैं जो कि वो डकैती के लिए यूज़ किया करते हैं। और इसके संबंध में थाना आजापर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक दैनिक कार्रवाई की जा रही है और इनको जो